परफेक्ट टेंस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। कैसे पैसे भाई बनाएंगे, खूब आराम से आप इसका नियम याद रखिए। बनाने का नियम आपके सामने लिखा गया है कि जब वाक्य एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो जानते होंगे संसार का नियम है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। कोई भी वाक्य अगर देखते हैं आप तो सब्जेक्ट ही पहले लिखते हैं। फ्यूचर की बात होगी तो चाहे कोई भी टेंस हो, फ्यूचर इंडिफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, शैल या विल अवश्य आएगा। तो सब्जेक्ट तब शैल और विल, लेकिन जब हैव की बात होगी, परफेक्ट की बात होगी तो हैव जरूर आएगा, एकदम निश्चित है कि आएगा। अच्छा, अगर प्रेजेंट में होता तो हैज और हैव लिखते, पास्ट में होता तो हैड लिखते, लेकिन फ्यूचर में तब भी हैव लिखेंगे क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहा। और जानते होंगे परफेक्ट में सब लोग जानते होंगे, चाहे कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है प्लस ऑब्जेक्ट। सब लोग याद करो, जब भी बात परफेक्ट का रहेगा तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप अवश्य आता है, कभी भूल नहीं सकते आप। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो तभी वर्ब का तीसरा रूप आता है, चाहे पास्ट परफेक्ट हो तभी वर्ब का तीसरा रूप आता है, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो तभी वर्ब का तीसरा रूप आता है। तो आपने सिंपल बनाने का नियम है, लेकिन जब भी आप पैसिव वॉइस के पास चलते हैं तो ऑब्जेक्ट नियम है, कोई भी टेंस हो ऑब्जेक्ट पहले आता है। क्यों ऑब्जेक्ट पहले आता है? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और जब भी आप पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बदलने की, पैसिव वॉइस का मतलब यही होता है आगे पीछे कर रहे, जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो आगे आ गया और जो सब्जेक्ट आगे था वो पीछे, सबको चांस मिलना चाहिए। और चांस से आपका सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया जाता, तो पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट के बाद आप जो रूल है, देखो ऑब्जेक्ट के बाद ना उस सब्जेक्ट को छोड़िए, ऑब्जेक्ट तो आप पीछे से लिख दिए, ऑब्जेक्ट आप लिख दिए यहाँ से, अब यहाँ सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी यही रूल लगाते चलिए, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखिए। और नियम तो यही है ना, चाहे ऑब्जेक्ट लिखिए चाहे सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद से सहायक क्रिया ही आएगा। तो पहले आप अपने ऑब्जेक्ट लिखा इसमें, अब यहाँ से पूरा सिस्टम यही अपना लीजिए, शैल या विल लिखेंगे तब हैव लिखेंगे, लेकिन उसमें एक बीन बस जोड़ना होता, बस एक बीन जोड़ना होता, और बिन आप जोड़ के वर्ब का तीसरा रूप जो ये छोड़े थे अब उसको अंतिम में बाई लगा कर अंतिम में कर देना, बस समझिए। जब भी आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट के बाद वाला रूल है, जगह सब्जेक्ट के बाद जो रूल लगाते थे वही ऑब्जेक्ट के बाद वही रूल लगेगा। जगह सब्जेक्ट लिख करके वाक्य को बनाते थे उसी तरह से इसमें ऑब्जेक्ट लिख कर वाक्य को बनाएंगे। तो पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब शैल या विल लिखेंगे, तब हैव लिखेंगे, तब बिन लिखेंगे, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब बाई, तब सब्जेक्ट। बस समझ में आई, खूब बढ़िया से सीखो, जितना कहो उतना मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 50 बार कहोगे 50 बार बताएंगे, लेकिन पूछने के बाद जब आप नहीं बताते हैं तो बहुत माने अजीब महसूस होता है। ये आपका, मैंने कल भी कहा था कि माइंड एकदम फ्रेश रखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई गलत सोच मत रखिए, फ्रेश रखिए। माता पिता के दायित्व बनता है कि बच्चा को हमेशा फ्रेश रखे, सुबह उठे बच्चा को तनी स्नान कराए, तनी चाय पिलाएं, यानी कुछ जाप कराएं भगवान के नाम का कि उसके मन में जो खोट है वो दूर होके। इतना पढ़ाने के बावजूद भी हमने के ना बता पाऊँ नहीं, बहुत ही मैंने अजीब महसूस होता है। ये बड़ा भी आप देख रहे हैं इसको, अरे सुबह सुबह का टाइम है, इस समय की पढ़ाई हमेशा ध्यान में रहता है कि सुबह ही मन में दिक्कत हो जाता है, तो क्या करें। सबको याद हुआ नहीं, पहले बताओ। देखा नियम याद हो गया ना, देखो नियम याद क्यों किया जाता है कि आप कहीं जाएंगे, आपके सामने वाक्य रहेगा, आप उसको देखेंगे और पहचान लेंगे कि इस टेंस में है, और इस नियम को आज उस समय याद आएगा कि हाँ हमारे सर ने कहा था कि ऑब्जेक्ट लिख करके सब्जेक्ट के बाद वाला ही नियम लगाते हैं, लेकिन उसमें बीन जुट जाता है। और ये जब नियम आपको याद हो गया तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसन को एग्जाम्पल दिया जाएगा, जब उसमें सैल विल हैव आ गया, हैव सैल के साथ हैव आ गया या विल के साथ हैव आ गया, तो सीधे कहेंगे परफेक्ट में तो है ये, अब बीन इसमें लगा देना, सेल के साथ आपका हैव आ गया या विल के साथ आ गया तो परफेक्ट आपका। खूब बढ़िया सीखो आज, आज एकदम अंग्रेजी, मैंने कल मैंने जब देखा बच्चों की अंग्रेजी की पढ़ाई तो मुझे अजीब महसूस हुआ कि बच्चा कैसे पास करेगा 10 में जाएगा तो, पेपर में जब बोर्ड में जाएगा तो। इसीलिए पढ़ाई बहुत सिस्टम के साथ आप करिए, समझ रहे, 2-4 बच्चे बता पाते हैं, कल तो एक भी बच्चे नहीं बता पा रहे थे, और मैंने आपको पढ़ाया था वो तब भी नहीं बता पा रहे थे।
लगातार एक क्वेश्चन को आप कई बार प्रयास कर रहे थे। कुछ देखते हैं हम लोग, मान लो कह दिया सीता विल हैव कुक्ड फूड। खूब बढ़िया सीखो बाबू, खूब बढ़िया सीखो। इसमें तो आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही जो फिक्स होता है ये फिक्स कर दिया गया होता है, बस ऐसे वैसे ही लिख देना। जरा देखो आपको पैसिव वॉइस में इसको बनाना है, शायद सब लोग बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं। शुरुआत करेगा राजा, बनाओ। बहुत मेरा फेवरेट ये बच्चा है इसीलिए। हाँ पहले आप देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको बना। हाँ बनाइए द फूड। हाँ नीचे मतलब, हाँ चल बनाइए। हाँ द फूड, द फूड, फूड, द फूड। मन ही में कहीं सूत्र में उड लिखल बा, देखो दिमाग अभी उड़े लगा। हाँ बनाओ, एक बार बनाओ। सीता द फूड विल विल हैव बीन कुक्ड बाय सीता। चलो कोई बात नहीं, एक दो बार में प्रयास करके तो बना। रूल देखो, रूल के हिसाब से बना दो। ठीक है बैठ जाओ, सब लोग बना लेंगे। पहले क्या लिखाएगा बाबू? द फूड। आई ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द फूड। ठीक है अब बाकी जो नियम है यहाँ से पूरा वही तो लगाओ ना, क्या करना है। तब विल, तब हैव, तब बीन, तब कुक्ड, बस ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट। अब कुछ बचा नहीं तो बाई सीता आपको लगा देना, क्या लगा देना? बाई सीता। देखो बन गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आ जाओ, बाकी जो सब्जेक्ट के बाद वाला नियम है इसको वैसे ही लिखो। विल हैव बीन कुक्ड बाई सीता। सीखो तो नहीं सीखो, इसको बढ़िया सीखो। अरे तुम लोग सीखो क्या ये पढ़ाई, बल्कि तरीको ना बनाओ क्या, तो मेहनत करो, मन में सोचो विचार करो कि हम कैसे पढ़ें कि हम लोग इसको बना सकते हैं। समझ रहे बात को? चलिए जब मैं आपको नियम बताऊंगा, जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा तब आप बनाएंगे। कोई अल आपके साथ में आपको खुद वो कैच करके दिमाग में सेट कर लो, और जब भी वाक आए जिस टेंस में है वो दिमाग में सेट है तुम्हारा नियम, उसी पर अगर याद। ठीक है चलिए। अच्छा आप बता सकते हैं वी शैल ईट ए मैंगो। सर हैव शूट गया, वी शैल हैव यहाँ पर लिख देते हैं, तब ईट ए मैंगो। जगह की कमी है भी नहीं। अब बन जाएगा, सब लोग बना लेंगे ना। अच्छा फिर कहाँ लिखोगे ये मैंगो? यहाँ सेल मत लगेगा, व्हील। ये मैंगो व्हील है ईटन बाय अस, ये मैंगो व्हील है ईटन बाय। अच्छा आप जानते हैं ना वी अस में चेंज होगा, आ ही होगा तो ही में चेंज होगा, दे होगा तो किस में चेंज होगा, तो आपको दे दे बना के लाने के लिए। समझ रहे हैं बात को? नोट कर लीजिए, बना के लेकर आइएगा।